चल रहा है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस जो मोनेटाइजेशन से पैसा कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाए, मेरा पेज मोनेटाइज हो जाए और मेरी ऑडियंस ऐड देखे और ऐड के आने वाली रेवेन्यू से मेरी इनकम हो, मैं मोनेटाइजेशन से पैसे कमाऊँ, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जो पूरी वर्ल्ड वाइज रन करती है, काफ़ी बड़ी और पॉपुलर ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप आज ही अपना अकाउंट क्रिएट करके आज ही मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मोनेटाइजेशन अपने यूजर्स को ऑन करने का ऑप्शन देती है और यहाँ पे आप आज ही से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्लेटफॉर्म है आगे हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में कहीं भी स्किप कट मत करिएगा। पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। हे गाइस, आई एम किशन झा, यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ क्यूरा ऐप के बारे में। क्यूरा प्लेटफॉर्म को आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल से पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा लाइव में। इसमें आपको अकाउंट ओपन करके मोनेटाइजेशन ऑन करवा के भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्यूरा एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर काफ़ी ट्रैफिक है, इंडिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं, आप भी अर्निंग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्यूरा में अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे अकाउंट ओपन करने के बाद इसे कैसे यूज करना है और इंस्टेंट कैसे आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना है, मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आपकी इनकम कैसे क्या होगी, इनकम आप अपने बैंक में कैसे लेंगे, इसका कंडीशंस क्या है, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यूरा में अभी अपना अकाउंट जरूर ओपन कर ले और मोनेटाइजेशन अभी ही ऑन कर दे, आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगी तो पता नहीं ये भी कौन से क्रिएट एरिया अपने यूजर्स के लिए लागू कर देंगे। तो आज ही क्यूरा में अकाउंट आप बनाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वैसे आप ऑन करेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसा कमाना शुरू कर देंगे। क्यूरा में आपको मिनिमम $10 का पेआउट है, $10 होते हैं ये आपको पेमेंट कर देती है आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है मंथ के इस डेट को आपको पेआउट जाएगा, ऐसा नहीं है, जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन आपको मिल जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कैसे क्यूरा में आपको अपने आप अकाउंट ओपन करना है और इंस्टेंट पहले ही दिन आपको कैसे अपना मोनेटाइजेशन ऑन करना है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। क्यूरा में अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ फेसबुक और यहाँ पे आपको दिया गया है साइन अप विथ ईमेल। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप साइन अप विथ ईमेल ले लें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने में दो ऑप्शन आ गए, पहला ऑप्शन हो गया नाम, आप अपना नाम डालेंगे, उसके नीचे में ईमेल अपना जीमेल आईडी डालेंगे, नाम वही डालेंगे जो आपका ओरिजिनल नाम है, जो आपके बैंक में पैन कार्ड में आधार कार्ड में वही नाम यहाँ पे डालेंगे, ओरिजिनल नाम यहाँ पे आप डालेंगे। चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ, ओके हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बताया जा रहा है कि कंफर्म योर जीमेल, यानी कि आपके जीमेल पे कोड भेजा गया, कोड यहाँ पे आपको डालना है। देखिए आ गया है कोड, मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे जीमेल पे जो आया हुआ कोड था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने में नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे पासवर्ड, बताया जा रहा है कि अपना एक पासवर्ड अच्छा सा रख लेंगे, चलिए मैं अच्छा सा पासवर्ड रख लेता हूँ, मैंने एक अच्छा सा पासवर्ड रख लिया, आप भी रख देंगे। देन क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये लोडिंग लेगा, इसमें क्या होगा ग्रीन टिक लग जाएगा, सामने में आपको यहाँ पे फिनिश का सेक्शन देखने को मिल जाता है, आप क्या करेंगे फिनिश वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड भी दे दिया गया, आप चाहे तो यहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि डाउनलोड ऐप, यानी कि आपको डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है नोट नाउ, आप नोट नाउ वाले सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तभी वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपना कैटेगरी चूज करें, आप किस कैटेगरी में यहाँ पे करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, या तो अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी दिए गए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, मूवी, हेल्थ, फूड, साइंस, म्यूजिक, बुक, आप जो चाहें वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे
कई सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने काफ़ी सारा सिलेक्ट किया, तो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ये लोडिंग लेगा, बता रहा है कि यू आर ऑल डन यानी क्रिएट इन योर, यानी कि क्रिएट कर रहा है। देखो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बता दे रहा है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर टर्न ऑन करना चाहे नोटिफिकेशन ब्राउजर का तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो किस तरीके से पोस्ट किया गया, इस तरीके से आपको भी पोस्ट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मोनिटाइजेशन ऑन कैसे करना है। इंस्टेंट मोनिटाइज होगा आपका, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इसे कंप्लीट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ये प्रोफाइल रहा, ठीक है। आप चाहे तो प्रोफाइल में लोगों को पहले अच्छे से लगा सकते हैं, प्रोफाइल को बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको मोनिटाइजेशन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे मोनिटाइजेशन है, यहाँ पे मोनिटाइजेशन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोफाइल फिनिश करना सिखा देता हूँ, ताकि आपका प्रोफाइल दिखने में अच्छा लगे। मोनिटाइजेशन ऑन करने से फायदा क्या है, जब तक आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं होगा, आपको सब कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको अपने प्रोफाइल को कैसे अच्छे से यहाँ पे प्रोफेशनल बनाना है। ओके, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका नाम दिख जाएगा, जहाँ मेरा नाम है उसके आगे में देखिए यहाँ पे एरो है, इस एरो वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एडिट प्रोफाइल। आप एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया, यानी कि आप एडिट करके अपना प्रोफाइल लगा सकते हैं, फोटो उसका यहाँ पे नाम एडिट कर सकते हैं, उसका एडिट ये और है दो तीन ऑप्शन, यहाँ पे अपना बायोडाटा लगा सकते हैं। तो क्लिक करेंगे पहले पे और यहाँ पे अपना एक अच्छा सा फोटो लगा देंगे, ठीक है अपना। उसके बाद यहाँ पे नाम एडिट करके कर सकते हैं, आप नाम एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो है प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बैक आएंगे, यहाँ पे एडिट बायो में आप डाल सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हाइलाइट्स में जाना है, यहाँ भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बखूबी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मोनिटाइजेशन कैसे आपको ऑन करना है। मोनिटाइजेशन ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको मोनिटाइजेशन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लिए। कंपनी यहाँ पे बोलती है कि आपके पास कोई कंटेंट है ही नहीं जो कि मोनेटाइज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट स्पेस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्पेस होता है, जैसे कि फेसबुक पे पोस्ट होता है, ट्विटर पे ट्वीट होता है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है, तो यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है। तो आपको एक स्पेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रिएट स्पेस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है, आप कुछ भी डाल दो नाम, जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा नाम स्पेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दो, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो डिस्क्रिप्शन में डाल दो, कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप क्या हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, जो भी हो, यहाँ पे अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। देखो जैसे मैंने यह डाल दिया ना, इस तरीके से आपको डाल देना है। यहाँ पे कीवर्ड को भी टारगेट करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, किसमें आपका टैलेंट है, उसके ऊपर में यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन पे क्लिक करना। ऊपर देखो यहाँ पे क्रिएट का सेक्शन है, क्रिएट वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे जो है अपना गूगल से भी इंपोर्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर दिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ओके। यहाँ बताया जा रहा है कि गेट इन्वाइट लिंक, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए अभी, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मोनेटाइजेशन ओवरव्यू, ठीक है। तो आपको मोनेटाइजेशन ओवरव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ा वेट करना है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन हैं कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहे आप बोलेंगे तो आने वाले वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे टारगेट या क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिए हुए गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में आ चुका है। यहाँ पे सामने में आपको जो है गेट अप देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गेट अप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन स्टेप है मोनेटाइजेशन के, तीन तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। पहला सब्सक्रिप्शन हो जाता है, इस पे सब्सक्रिप्शन। दूसरा हो जाता है क्यूरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको नहीं रखना, तीसरा रखना है आपको एड रेवेन्यू शेयरिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्सक्रिप्शन है तो मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नीचे में आपको देखो यहाँ पे जो है स्किप का ऑप्शन दिया गया, आपको इस स्किप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर दो। दूसरा आ गया यहाँ
यहाँ पे क्यूरा प्लस रेवेन्यू ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो नीचे फिर से आपको स्किप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप क्या करेंगे, स्किप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रिप प्रोग्राम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फाइनली आ गया एड रेवेन्यू शेयरिंग, यानी कि मुझे एड से पैसे कमाने हैं कि मेरे जो भी यहाँ पे स्पेस रहेंगे उस पर एड दिखेगा, उसका रेवेन्यू जो है क्यूरा आपको देगा, मुझे देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इनेबल नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आराम से देखेंगे यहाँ पे इनेबल नाउ है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर से मेंशन हो सके। यहाँ पे इनेबल नाउ है तो आपको क्या करना है, इनेबल नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इनेबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मोनेटाइजेशन मोड ऑफ माय कंटेंट, ठीक है। इस पर आप जा सकते हैं, आप ना देख सकते हैं मोनेटाइजेशन उस पर, यहाँ चाहे तो यहाँ पे गो टू माय स्पेस वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, आपका देखने को मिल जाएगा एडमिन, ये आपका पैनल है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अच्छे सब कस्टमाइजेशन कर लेंगे, ऊपर नीचे जो भी आपका प्रोफाइल लोगों को लगाना है वो लगा लेंगे, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, आपको जो पैसे कमाई होगी वो कहाँ दिखाई देगा, बैंक अकाउंट कैसे ऐड होगा, पैसे कैसे आएगा, वो सारी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगा, बताऊंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं कि इसमें आपको जो है कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है और कितनी रेवेन्यू मिलती है, कैसे रेवेन्यू मिलता है, कैसे आपके बैंक अकाउंट तक जाएगा, कंडीशंस क्या, वो सारी चीज़ आपको हम बताते हैं, ओके। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको अर्निंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस अर्निंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने बोला है कि मिनिमम जो है ना यहाँ पे $10 का यहाँ पे विड्रॉल है, और यहाँ पे कोई भी मंथली रिक्वायरमेंट नहीं चलता है कि एक को मिलेगा, 24 को मिलेगा, 26 को मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस दिन आपका $10 कंप्लीट हो जाता है उस दिन आपके बैंक अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा कंडीशंस वो बता नहीं सकते, लेकिन अभी ये चल रहा है और अभी आपके पास टाइम है कि जल्दी से जल्दी अपनी मोनेटाइजेशन कर ले। आने वाले क्राइटेरिया जब हो जाएगा तो फिर थोड़े से यहाँ पे पंगे हो सकते हैं, तो मोनेटाइजेशन जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पे आउट का ऑप्शन, ठीक है, बैंकिंग एंड पे आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाता है, इस आइकन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देंगे ये लोडिंग लगा, लोडिंग लगने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे फिल करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को केयरफुली लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जीमेल, यहाँ पे आपको जीमेल देना होगा, आप वही जीमेल डाल सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था, चाहे तो कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वही जीमेल यहाँ पे आप डालें। चलिए मैं अपना जीमेल डाल देता हूँ। हमने अपना जीमेल डाल दिया, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बोला जा रहा है कि मोबाइल नंबर, नीचे में टेक देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देना होता है। चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे हम फिल कर लेते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन लेगा, ऑटोमेटिक ये ओटीपी ले लेगा, ओटीपी ना जाए तो रिसेंट कोड आप कर सकते हैं, तो आपके कोड जाएगा, कोड ये ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं ले तो आपको टाइप करना है, नहीं लिया मुझे टाइप करना होगा, ओके। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे 439 देख के मैं टाइप कर देता हूँ, कोड हमने टाइप कर दिया, ये कोड ले लिया। कोड लेने के बाद यहाँ पे कंट्री है, क्लिक करेंगे, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी कंट्री नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका बिजनेस बोला जा रहा है तो बिजनेस में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कंपनी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पर जो भी चाहिए आप ले सकते हैं, आपने देख लेंगे तो आप अपने मैनेजर से इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल ले लेंगे। फिर कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंटिन्यू कर दिया, देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में आता है प्रोसेसिंग सेव्ड, यानी कि मेरा प्रोसेसिंग यहाँ पे सेव हो रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर लीगल नेम, यानी कि आपका जो लीगल नाम है वो डालेंगे, याद रखें कि आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में जो नाम है वही नाम डालेंगे, नाम मैच नहीं किया तो आपको पे आउट नहीं आएगा। तो नाम डाल देंगे, यानी फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू कर देंगे। चलिए मैं कर लेता हूँ, हमने फिल कर दिया, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, अच्छे से देख लेंगे, केयरफुली फिल करेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे सेलेक्ट एन अकाउंट फॉर पे आउट, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे नेम आ चुका है मेरा, ठीक है। यहाँ पे नेम को डिलीट नहीं कर सकते इसलिए बोले नेम आप सही से डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर, ऊपर में IFC कोड डाल देंगे, ठीक है। तो IFC कोड डाल देना सबसे पहले, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और देन सेव कर देना। चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे बैंक डिटेल डाल देंगे, देन क्या करेंगे यहाँ पे आप सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सेव्ड हो जाता है। और बैंक अकाउंट सेव हो जाने के बाद आपके $10 जैसे हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। चलिए सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, देखो ये सेविंग हो रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। जैसे सेव्ड हो जाएगा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट सुन, यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, टोटल चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी थोड़ा सा ये रिव्यू करेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके चाहें तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है
आप ना डाल सकते हैं यहाँ पे पैन या फिर कोई अदर, ठीक है। तो पैन डाल देंगे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पैन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। पैन कार्ड का जो भी फोटो रहता है फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को चेकआउट करते हुए सबमिट कर देंगे, ओके। तो ये आप बहुत इजीली तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप करता हूँ कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका प्रोफाइल। आप यहाँ पे थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने फ्रेंड को इनवाइट में भी कर सकते हैं। एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो एडिटिंग पर जाएंगे और अच्छे से यहाँ पे आप सब कुछ देख भी लेंगे। जैसे आप बिल्कुल सेव्ड कर देंगे, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन भी आएगा, काफ़ी तरीके से मज़े से यूज़ कर सकते हैं। होम वाले सेक्शन पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है अपना यहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आज आंसर है, पोस्ट है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ अस करना है तो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे डाल दो, आप क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। यहाँ पे आंसर्स में आप आंसर देख सकते हो, आंसर डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल फॉर जैसे कि मुझे पोस्ट करना है, पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी पिक्चर्स यहाँ पे हम डालते हैं, ठीक है। एग्जांपल फॉर जैसे कि मैं ये डालता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। ऊपर में कुछ यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं ना कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट है, पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो, ये आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका पोस्ट हो गया, ठीक है। आपका पोस्ट इस तरीके से दिखेगा, व्यू भी इस तरीके से दिखेगा, कोई डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जितने भी ऐड आपके दिखेंगे ना, अपने हिसाब से आपका ये रेवेन्यू यहाँ पे आपको बनता जाएगा, ठीक है। जो भी पोस्ट है ना, पोस्ट में मान लो कोई क्लिक किया, जैसे कि पोस्ट पर क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो ये नीचे में ऐड आ गया, इस तरीके से कोई भी क्लिक करता है, क्लिक करेगा ना तो ऐड वैड दिखेगा, उसी से आपकी इनकम बनती है। तो आई होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। ये अगर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन है, बिल्कुल ये ना सोशल मीडिया की तरह से आराम से यूज़ करिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। अपना प्रोफाइल तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ पूछना है तो कमेंट्स करेंगे, भाई माता चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।